सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसनीत सिंह। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। एंड व्हाट टू से गाइस, व्हाट टू से, मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था कावासाकी Zx10R के ऊपर, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एंड उससे पहले जो मैंने लॉट का वीडियो बनाया था, क्या बात है यार, क्या रिस्पॉन्स दी आप लोगों ने। एंड आई गेस आप लोग लॉट का वीडियो ज़्यादा मांगते हो, तो इसके बाद एक लॉट का वीडियो और बनाएंगे। मेरे पास वैसे स्टॉक में बहुत सारी नई बाइक्स आई हैं। ये 302 खड़ी है, ये नई स्ट्रीट रॉड भी आ गई है, एक आयरन भी आ गई है वहाँ पे नई, तो मैनी बाइक्स आर बीन अपडेटेड इन द स्टॉक। बाकी और भी कुछ बाइक्स मेरे पास स्टॉक में नहीं आई है, वो बाइक्स कौन सी है आज आपको रिवील करके मैं बताऊंगा। एंड दिस व्लॉग इज़ गोना बी समथिंग नेक्स्ट लेवल, ऐसा कभी भी YouTube की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, किसी भी चैनल पे मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा है तो कमेंट करके बता देना। दिस टाइम इज गोना बी समथिंग विच इज़ वेरी एपिक। तो शुरुआत करने से पहले लाइक ऑलवेज एक शुरुआत में थैंक्स के साथ करता हूँ, थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो। 65,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। नेक्स्ट टारगेट इज़ 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख का भी जल्दी करवा दोगे। सिल्वर प्ले बटन चाहिए यार, अब दिला दो जल्दी से, अब वेट था नहीं हो रहा है थोड़ा सा। सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, बाइक्स आपको बताता हूँ कौन सी है, सिनेमैटिक्स में रिवील करते हैं। चलो लेट्स गेट बैक टू यू आफ्टर सिनेमैटिक्स। सो गाइज, आई होप आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। बाइक्स कौन सी है, तो बाइक्स आर दीज ब्यूटिफुल मशीन्स ओवर हियर, द कावासाकी Zx6R वर्सेस दीज टू कावासाकी Zx10R 2019 एडिशंस। नाउ लुक एट दीज थ्री ब्यूटिफुल मशीन्स गाइज, एपिक मशीन्स हैं, एपिक मशीन्स हैं। तो चलिए आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। ऑल्दो इस बाइक के बारे में मैं रिवील कर चुका हूँ, मेरी ट्रायम्फ डेटोना वर्सेस कावासाकी की वीडियो आई थी, यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा राइट साइड में आई बटन, वो नहीं देखी है वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। बाकी एक नहीं, दो दो टेनर आ गई हैं। आई गेस YouTube की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार ही हो रहा होगा कि एक ही जगह पे आपको 10R एंड 6R एक लाइव कंपैरिजन दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, सो डोंट माइंड ऑन दैट गाइज, बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल Zx10R के साथ, आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसके बाद चलते हैं 6R के ऊपर। नाउ दिस ब्यूटीफुल बाइक ओवर हेयर इज़ 2019 एडिशन Zx10R, ये 2019 की बाइक है गाइस। इनफैक्ट ये तो तीनों बाइक्स आप देख रहे हो, तीनों 2019 की है। 2019 10R के अंदर फ़र्क क्या आए थे, पहली बात तो ग्राफिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, ये रेड एक्सेंट्स आ गई थी दोनों तरफ, फ्रंट नोज पर रेड एक्सेंट्स आ गए, नीचे बेली पैन पर भी आप देखेंगे तो रेड एक्सेंट्स होंगी। तो दीज वर द चेंजेस इन द ग्राफिक्स पार्ट। बाकी अगर आप इसको ध्यान से दूर से देखेंगे तो ये 10R लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा, ये 1, दिस इज द बिग 0 एंड उधर R लिखा हुआ है। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है लिखा क्या हुआ है, तो दिस इज द कावासाकी Zx10R 2019 एडिशन ग्राफिक कलर स्कीम। बाकी KRT एडिशन एक ही आता है इसके अंदर, बाकी 10RR आती थी। अलॉन्ग विद दैट गाइज, इसके अंदर एक्सेसरीज भी काफ़ी लगी हुई है। एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ, अगर आगे से शुरुआत करते हैं गाइज, पहले आपकी नजर जाएगी टायर्स के ऊपर, इसके अंदर लगे हैं मेजिलर के टायर्स गाइस। नाउ दीज मेजिलर्स आर मतलब सबसे बढ़िया टायर है, ऑल वेदर टायर्स होते हैं, जिसकी बाइक है उन्होंने कंपनी से निकलते ही सबसे पहला काम टायर चेंज करवाए। सबका अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है टायर्स को लेके भी, सो वी कैन नॉट जज एनीबडी ओवर दैट। टायर्स के साथ साथ इसमें फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, दीज आर योर फोक प्रोटेक्टर्स। शोवा का सस्पेंशन तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता ही है अलॉन्ग विद द ब्रेम्बो ब्रेक्स, वो मिलेगा ही मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है, आई होप इट्स विजिबल इन द कैमरा। उसी के साथ साथ गाइज आपको इसके अंदर क्रैश गार्ड्स मिल जाता है बाय प्यूग, ये प्यूग के क्रैश गार्ड्स हैं। एंड अलॉन्ग विद द क्रैश गार्ड्स यू गेट टैंक ग्रिप्स एंड योर टैंक पैड, ये चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। एंड फ्रंट में वाइजर लगा हुआ है, जिससे जो टॉल विंडस्क्रीन, अब जो मेरी तरह 6 फीट टॉल राइडर्स हैं, आई एम 6 फीट टॉल, तो विंड ब्लास्ट को इनक्योर कम करने के लिए कई बार हेलमेट पे इतना विंड ब्लास्ट एट हाई स्पीड ओवर 200 की स्पीड पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है,
फिर टॉल विंडस्क्रीन क्या करती है, थोड़ा विंड ब्लास्ट को आपको एरोडायनामिक बना देती है, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर विजन एंड आपका हेलमेट जो वॉबल नहीं करता, इसका विंडस्क्रीन का ये फ़ायदा है। उसी के साथ साथ गाइस इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दिस इज योर कस्टम एससी बजट का एग्जॉस्ट, ये स्लिप ऑन है बट 10R के अंदर एक स्लिप ऑन ही फुल सिस्टम माना जाता है। और इसके अंदर हेडर्स जो आते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही टाइटेनियम के आते हैं, बिल्कुल सही। द हेडर्स ऑफ द 10R जो चार पाइप्स आती हैं इंजन से जो निकलती हैं आगे से आप देखेंगे तो दोज आर बाय डिफॉल्ट स्टॉक टाइटेनियम मेड एंड वो फ्री फ्लो ही होता है एक तरीके से। कैटकॉन आपका एग्जॉस्ट में लगा होता है जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है, उसको हटाते ही 10R के अंदर ऐसी आवाज़ आ जाती है कि ना जाने कैसी। इसके अंदर आपको फुल सिस्टम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्लिप ऑन लगाओ आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। तो उसी के साथ साथ गाइस स्लिप ऑन आपने देख लिया, अलॉन्ग विद स्लिप ऑन गाइस पीछे का टायर भी आपको मैजरर का मिल जाता है अगेन। सो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर पीछे आपको टेल लाइट किट भी मिल जाती है अलॉन्ग विद योर LED इंडिकेटर्स, ये चीज़ें भी इसके अंदर लगी हुई हैं। छोटे मोटे स्पूल्स लगे हुए हैं पैडॉक के लिए एंड अगेन योर मैजरर रोडटेक पीछे का टायर वो भी लगा हुआ है। अब चली कितनी हुई है, टायर्स देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि टायर्स चेंज हो गए हैं तो चली ज़्यादा भी होगी, बट नो यू आर रॉन्ग। ये जो बाइक है गाइस दिस थिंग इज रिडन ओनली 3000 किलोमीटर्स। आओ आपको इसका आप डैश दिखाते हैं। नाउ दिस इज द इग्निशन सीक्वेंस ऑफ 10R 3773 किलोमीटर्स। डेली रजिस्टर्ड है 3700 किलोमीटर चल चुकी है, नीट एंड क्लीन बाइक है, 2019 की है। 19 के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 19 के अंदर गाइस आपको मिलता है ऑटो ब्लिपर। ऑटो ब्लिपर स्टैंड्स फॉर ब्लिपिंग द थ्रॉटल ऑटोमेटिकली और नीचे करने के लिए गियर 5 4 3 2 1, दैट्स ऑटो ब्लिपर विदाउट यूजिंग द क्लच। क्विक शिफ्टर मतलब 1 2 3 4 5 ऊपर करना क्विक शिफ्टिंग विदाउट यूजिंग द क्लच। इसके अंदर आपको दोनों मिलते हैं ऑटो ब्लिपर एज वेल एज क्विक शिफ्टर, जिसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। अभी आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ डैश के बारे में भी। चलिए गाइस नाउ लेट्स गेट टू द डैश ऑफ दिस 10R। आइए आपको इसके फीचर समझाता हूँ, फिर एक कंपैरिजन भी दूंगा आपको साथ के साथ कि 6R और 10R में क्या चेंजेस हैं। नाउ अगेन दिस बीइंग द इग्निशन सीक्वेंस ऑफ द बाइक, अब इसके अंदर आपको फीचर्स पहले समझा देता हूँ मैं। ये ओडो 3773 किलोमीटर्स डन, नीचे आपका इंजन टेम्परेचर आ जाएगा, स्पीड हो गई। ये जो गियर का यहाँ पे खाली बॉक्स दिख रहा है दिस इज़ योर गियर इंडिकेटर कि आप कौन से गियर में हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पावर, दिस स्टैंड्स फॉर पावर, ये M लिखा हुआ है, पावर मतलब M मतलब मीडियम मोड पे है। KEBC स्टैंड्स फॉर कावासाकी इंजन ब्रेक कंट्रोल, इसको आप लो पे और ऑफ पे कर सकते हो। देन स्टैंड्स SKTRC विच कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसके तीन लेवल्स होते हैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एंड द मेन थिंग KQS दैट्स अ कावासाकी क्विक शिफ्टर, ये अप एंड डाउन के एरो आप देख सकते हो। अप स्टैंड्स फॉर अपशिफ्टिंग, डाउन स्टैंड्स फॉर योर ऑटो ब्लिपर। अब इसको सेट कैसे करना है, इनको चेंज कैसे करना है गाइज, ये बटन दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे, दीज बटन ओवर हियर, ये सेलेक्ट का बटन ऐसे लिखा हुआ है, इसको व्हील इफ आई प्रेस एंड होल्ड तो आप डिस्प्ले पे देखिए क्या होता है। ये एक मेन्यू मोड के अंदर आ गया जिसके अंदर पहले पावर, अगर मैं दोबारा सेलेक्ट को दबाऊंगा नाउ ये मीडियम पावर ब्लिंक होने लगे, आई कैन पुश इट डाउन टू फुल पावर, लो पावर और मीडियम पावर। सेलेक्ट बटन फिर से दबाया, एक स्टेप नीचे आए, देन स्टैंड्स फॉर कावासाकी इंजन ब्रेक कंट्रोल, जिसको ये अभी लो पर है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये दो मोड्स KEBC के हो गए। देन कम्स योर KQS, KQS अप शिफ्टिंग के अंदर आप देखोगे सर ऊपर का एरो आ रहा है और यहाँ ऑन लिखा हुआ है, दैट मीन्स योर क्विक शिफ्टर इज ऑन। अगर ये नीचे का एरो लिखा हुआ ऊपर ऑन लिखा हुआ है, दैट मीन्स योर ऑटो ब्लिपर इज ऑल्सो नाउ ऑन। उसके अलावा गाइस ये आ गया KLCM, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक जो मुझे लगती है अगर यूज़ करने आती है आप लोगों को तो, दिस स्टैंड्स फॉर कावासाकी लॉन्च कंट्रोल। आप इसके लॉन्च कंट्रोल को भी तीन लेवल्स पे सेट कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। लॉन्च कंट्रोल्स आई वोंट रिकमेंड टू यूज़, और उससे क्लच पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बट एक दो बार आप यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज़ योर, आपको कब रेव रेंज के अंदर, जब आप एक स्पेसिफिक रेव रेंज पे तो कैसे ब्लिंक करना चाहिए। अभी 10,200 के आसपास है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अब ये तेज से ब्लिंक करेगा, मतलब दिस विल इंडिकेट कि आपको गियर चेंज कब करना है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ये बढ़ रहा है 11,000 पे है, 12,000 पे है, आप अपने हिसाब से आपको कब गियर चेंज करना है, बाइक विल लेट यू नो। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 9,500 की रेंज से ही स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द ऑल द फीचर्स गाइस जो आपको एक 10R के अंदर मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे फीचर्स एक 2020 10R के अंदर आते हैं। रही बात 6R की गाइस, 6R के अंदर क्या फीचर्स हैं, आओ पहले 6R को फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल देता हूँ आपको। सो गाइस ये थी 10R का मीटर आपको मैंने जो दिखाया अभी। नाउ दिस इज़ कावासाकी ZX6R,
चलिए पहले आपको इसका स्पीडोमीटर को फीचर्स बताता हूँ, इसमें क्या क्या फ़र्क है 10R से। लेट्स गेट टू द डैशबोर्ड। दिस इज द इग्निशन सीक्वेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे सीधे इसके अंदर RPM जो टैकोमीटर है दैट इज़ कम्प्लीटली एनालॉग, उसमें डिजिटल था। मोर ओवर स्पीडोमीटर आप देख ही सकते हो। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसका बड़ा बड़ा सा न्यूट्रल लिखा हुआ है, उसके 10R में भी आता है ये सेम। अलॉन्ग विद दैट इसमें पावर मोड्स मिल गए। इसमें आपको दो पावर मोड्स मिलते हैं, फुल एंड लो। 10R में तीन पावर मोड्स हैं, लो, मीडियम एंड फुल। देन कम्स KTRC विच स्टैंड्स फॉर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके अंदर सेम तीन मोड्स हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हो। द नेक्स्ट कम्स KQS विच इज़ कावासाकी क्विक शिफ्टर। इसमें यही तीन चीज़ें आपको मिलती हैं गाइस। एक्स्ट्रा क्या है 10R के अंदर? 10R के अंदर गाइस पहला कुछ चलो इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स बताता हूँ। अगर आप ये लेफ्ट साइड पर देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट का बटन दिया हुआ है, दिस बटन ओवर है, इसको दबाएंगे तो वी कैन डू द चेंजेस ओवर देयर। मैंने भाई दबाया तो पावर मोड देखा ब्लिंक करने लग गया, दिस स्टैंड्स फॉर फुल पावर। अब इसको नीचे करूँगा ये लो पावर मोड पे आ गया, अगेन ऊपर करूँगा फुल पावर मोड पे। नेक्स्ट बारी दोबारा सेट दबाऊंगा तो KTRC ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप तीन लेवल पे सेट कर सकते हो, ये ऑफ, 1, 2 एंड 3। दोबारा क्योंकि उसको दबाऊंगा मैं तो आप क्विक शिफ्टर को भी आप ऑफ कर सकते हो एंड आप ये आप ऑन भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको 6R के अंदर मिलते हैं गाइस। 10R के अंदर एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको? 10R के अंदर आपको मिलती है इंजन ब्रेक कंट्रोल, जिसके अंदर आप सेट कर सकते हो, आपको दिखाया। लॉन्च कंट्रोल आपको मिलता है, तीन पावर मोड्स आपको मिलते हैं, बाकी सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है जो 6R के अंदर है वो 10R के अंदर है। बाकी ये थे इसके अंदर के फीचर्स। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बाइक की कॉन्फ़िगरेशंस। सो गाइस रही बात एक्सेसरीज़ की, अगर इसके अंदर आगे से हम शुरुआत करते हैं, पहले आप इसके अलॉय व्हील्स देखिए, दीज हैव बीन पेंटेड टू गोल्डन। अब गोल्डन कलर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन आपका ये, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसी के साथ साथ गाइस आगे इसमें रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें रेडिएटर गार्ड आगे। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, ये क्रैश गार्ड्स आप देख सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे टैंक पैड एंड टैंक ग्रिप्स, बोथ दीज आर टैंक ग्रिप्स, हियर इज अ टैंक पैड। उसी के साथ साथ गाइस BMC का एयर फिल्टर भी इस बाइक के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, अंदर लगा हुआ है। BMC का इट्स अ रेसिंग एयर फिल्टर, जिससे द बाइक ब्रीथ्स क्वाइट फ्रीली एंड मज़ा आता है चलाने के अंदर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर आप पीछे देखेंगे इट्स अ कस्टम एग्जॉस्ट। नाउ दिस एग्जॉस्ट राइट हेयर इज ज़्यादा लाउड टू ब्रदर्स की, बेसिकली इट्स अ रेप्लिका, कार्बन फाइबर रेप्लिका है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। ये कुछ चालू मालू ब्रांड का एग्जॉस्ट नहीं है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी एग्जॉस्ट, काफ़ी अच्छा बैक प्रेशर बना के रखती है। एंड 6R के अंदर जब आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो वाइल शिफ्टिंग द गेयर्स, आपको एक ऐसा एक साउंड मिलता है गेयर शिफ्ट करने के अंदर, एक ठक की आवाज़ आती है जिसमें बड़ा ही इट्स वेरी सूदिंग। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, अभी आपको इसका फ्लाई बाय दूंगा तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ सुनने को मिल जाएगी। बाकी 2019 की है ये भी, 19 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड, कावासाकी Zx6R आपके सामने खड़ी हुई है। एंड 10R के अंदर एक चीज़ नहीं है जो 6R के अंदर है, वो है इसके अंदर LED हेडलाइट्स मिलती हैं आपको बाय डिफॉल्ट स्टॉक फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। 10R के अंदर आपको LED हेडलाइट्स नहीं मिलती, आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन डिफरेंसेज बिटवीन द टू। तो चलिए गाइस दैट लीड्स अस टू द फाइनल बाइक, दिस बाइक ओवर हियर राइट नाउ। दिस इज कावासाकी अगेन Zx10R 2019, 2019 की ये बाइक है। यहाँ पे एक नहीं आपको दो दो 10R मैंने दिखाई है अलॉन्ग विथ 6R, मतलब क्या बढ़िया एक व्यू है देखने के लिए, इट्स अ ट्रीट टू माई आईज। आई होप आप लोगों को भी एक ट्रीट लग रही होगी, देखने में ही कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, एक लुक लीजिए मतलब क्या लग रही है तीनों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के साथ गाइस। नाउ दिस बाइक राइट ओवर है 2019 की Zx10R, अगेन आगे आप देख सकते हो फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर रेडिएटर गार्ड नहीं लगा हुआ है, क्रैश गार्ड इसमें लगे हुए हैं। अलॉन्ग विद द क्रैश गार्ड्स यू गेट टैंक ग्रिप्स एंड टैंक पैड्स, इसमें ये भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर गाइस आपको मिलता है CR रेसफिट का ओरिजिनल एग्जॉस्ट। नाउ दिस इज ऑथेंटिक ओरिजिनल एग्जॉस्ट। अब ओरिजिनलिटी का पता कैसे चलता है? ओरिजिनलिटी का पता इससे चलता है अगर आप नीचे इसका बेंड पाइप यहाँ से देखेंगे, जो ये जो बेंड पाइप जा रहा है नीचे जॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग चेंजिंग इट्स कलर, ये पर्पल ह्यू थोड़ा सा देखेंगे इसका, पर्पल ब्लू येलो ऐसा ह्यू दे रहा है, ये निशानी है एक टाइटेनियम एग्जॉस्ट की गाइस। टाइटेनियम जो है इट टेंड्स टू चेंज इट्स कलर, और अगर इसके ऊपर अभी मैं ऐसे में फिंगरप्रिंट्स लगा रहा हूँ, जैसे मेरे कुछ अगर मेरा ऑयली हो गया मैं फिंगरप्रिंट्स लगा रहा हूँ और ये गर्म हो जाता है तो मेरा फिंगरप्रिंट इसके ऊपर परमानेंटली इंग्रेव हो जाएगा। तो टाइटेनियम के साथ वाइल इंस्टॉलिंग दीज एग्जॉस्ट, आप नए एग्जॉस्ट भी जब लगवा रहे होते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कभी भी टाइटेनियम को अपने बेयर हैंड से टच मत करो। अभी टच कर लिया तो इसको जल्दी से WD-40 से साफ कर दो, अगर वो गर्म हो गया एग्जॉस्ट तो आपके फिंगरप्रिंट्स जो है
वो परमानेंटली वहाँ पे इंग्रेव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी नई बाइक ले रहे हो, टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगवा रहे हो, तो टाइटेनियम की खासियत यही है कि वो कलर चेंज करता है और आपके फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर जल्दी से इंग्रेव हो जाते हैं। रही बात इस बाइक की गाइस, इसके अंदर भी आपको मेटजिलर के टायर मिल जाते हैं, मेटजिलर रोडटेक, दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टायर्स अवेलेबल, नो डाउट। मैं भी लास्ट संडे को 10R को राइड पे भी लेके गया था, इन दोनों में से कौन सी 10R थी वो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट माय इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम नीचे कहीं पे लिखा रहा होगा, आई एम जसनीत के नाम से है, आई एम जसनीत, वहाँ जाके आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अभी तक नहीं करा तो आई कीप ऑन पोस्टिंग गुड कंटेंट ओवर इंस्टाग्राम ऑल्सो, अभी इसकी मैंने एक वीडियो पर डाली है अपनी स्टोरी पे, बस फ़ोन हाथ में होता है, दो मिनट में बना के डाल देता हूँ। रही बात इससे किलोमीटर्स की, चलिए आइए आपको इसे किलोमीटर पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। दिस इज़ अ लॉन्च की, नो डाउट दिस इज इंडीड अ लॉन्च की। इसे स्टार्ट करते ही इग्निशन सीक्वेंस देख लीजिए। नाउ दिस बाइक हैज़ बीन डन 6000 किलोमीटर्स, ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है, एंड बाकी सारे फीचर्स वही सेम है इसके अंदर, आपको KTRC, KQS, कावासाकी क्विक शिफ्टर, इंजन ब्रेक कंट्रोल, पावर मोड्स, लॉन्च कंट्रोल, सब कुछ आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो गाइस 10R की पहले आपको आवाज़ सुनाता हूँ मैं, इस SC बजट कस्टम एग्जॉस्ट की, बताना ज़रूर आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। साउंड्स ऑन एन कस्टम SC बजट एग्जॉस्ट, फ्लेम्स देखी कैसी लगी बताना जरूर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं 6R को, आपको इसकी भी आवाज सुनाता हूं मैं, एंड एक फ्लाई बाय देते हैं 6R के ऊपर भी। दिस इज हाउ अ 6R साउंड्स। तो गाइस अब बारी है रेस फिट एग्जॉस्ट वाली इस 10R को स्टार्ट करने की, जबरदस्त आवाज है, हेडफोन्स पहनो नहीं पहने हैं तो, एंड डू लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में आवाज कैसी है, लेट्स फायर दिस थिंग अप।
मस्त आवाज है यार। आई थिंक कि शायद कैमरा जस्टिस कर रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आवाज कैसी लगी। एंड रेस फिट और दी एससी प्रोजेक्ट दोनों में से कौन सा अच्छा लगा गाइस, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर। अब बारी आती है प्राइसिंग की, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो गाइस, तो प्राइस होने वाले हैं काफ़ी खतरनाक, काफ़ी घातक। कॉज ऐसी टनारी एक और किसी और के पास भी खड़ी थी, लोग बड़े से प्राइस मांगते हैं, बड़े ही इननेसेसरीली कुछ भी कोट करते हैं। सरस्वती मोटर्स पे कभी भी धोखा नहीं होता, फालतू प्राइजेस नहीं कोट करे जाते, डील दी जाएगी, हमेशा अच्छी डील दी जाएगी। रही बात इस बाइक की गाइस, 2019 6000 किलोमीटर चली हुई, रेस फिट का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ, क्रैश गार्ड्स लगे हुए, टैंक पैड लगा हुआ, आगे प्यूक की विंडस्क्रीन भी लगी हुई, और भी बहुत सामान लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। इसका प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गोना बी 14.5 लाख, सिर्फ 14.5 लाख रुपये की आपको ये मिल जाएगी। रही बात है 6R की, इसका प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट वॉज 9.55, 9.5 लाख रुपये की आपको मैं ये 6R दे दूंगा, 9.5 लाइकवाइज फर्दर नेगोशिएबल भी है। एंड वो टेन आर जो है 2019 की सिर्फ 3000 चली हुई, वो गाड़ी भी आपको गैस ओनली फॉर 14.5 लाख की मिल जाएगी। तो यहाँ पे डील क्या चल रही है, पिक एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी ले जाओ फॉर जस्ट 14.5 एंड फर्दर नेगोशिएबल। एंड दिस बाइक ओवर हेयर 9.5 एंड अगेन फर्दर नेगोशिएबल। तो जल्दी से आओ, डील मैच्योर करो। आई होप आपको दोनों बाइक्स, तीनों बाइक्स पसंद आई होंगी, आपकी फेवरेट कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन आपका ये लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डील क्रैक करो, ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे मेरे चैनल को तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जल्दी से 1 लाख पूरे कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट का देखना चाहते हो, लॉट की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, आई विल शूट वन ग्रेट वीडियो फॉर यू ऑल। बाकी कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी गाइस, थैंक यू एंड सी यू सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जसनीत सिंह, बाय बाय।